आधार कार्ड गुम हो गया है और आपको आपके आधार कार्ड का नंबर भी नहीं पता है, तो टेंशन नहीं लेने का, आधार कार्ड आपका बन जाएगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि एक टोल फ्री नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इस टोल फ्री नंबर पर आपका विवरण पूछा जा सकता है, आपके परिवार के बारे में नाम वगैरह, आपका एड्रेस पूछा जा सकता है, और सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको आपके पिन कोड नंबर याद होना चाहिए। पिन कोड किसे कहते हैं? पिन कोड जो जिस पे एड्रेस आपका चिट्ठी वगैरह आती है, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है, जो आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर है, ये ज़रूरी आपको मालूम होना चाहिए। और आपका नाम और आपका पिता का नाम और परिवार के लोगों का नाम, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी उम्र पूछ सकते हैं। तो वो आपकी जानकारी लेने के बाद आपको आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो दे देंगे। अगर उसके बावजूद अगर आपका आधार कार्ड नहीं मिलता है, टोल फ्री नंबर पर बात करने के बाद भी आपको आपका आधार कार्ड नंबर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, मैं इसकी भी जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ जो आधार कार्ड के जो सेंटर हैं, रीजनल ऑफिस हैं जितने भारत के, उनके मैं एड्रेस वगैरह दे रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है, आपका ऑफिस कौन सा होगा, पहले ये मैं आपको जानकारी दे दूँ। वीडियो में मैं आपको सभी रीजनल ऑफिस के एड्रेस दे चुका हूँ, अब हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं दिल्ली के रीजनल ऑफिस लेके आया हूँ आपको, तो यहाँ जो है प्रगति मैदान में ये आधार कार्ड सेंटर है, ये मुख्यालय है, रीजनल ऑफिस है। इसका जो नाम है, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया है। यहाँ 2 नंबर गेट से आपको निकलना है, जैसे आप 2 नंबर गेट से उतरोगे और आपको यहीं मुड़कर पास में ही ये आधार कार्ड सेंटर है, यहाँ आपको सुबह 8 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले ही यहाँ नंबर लगना शुरू हो जाता है। मैं सुबह 6 बजे घर से चला था, तो मैं 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपकी दूरी कितनी है प्रगति मैदान से, दिल्ली के जो सेंटर है वहाँ से, या फिर आप अपने स्टेट में जहाँ पर आप बनाना चाहेंगे तो वहाँ आपका जो ऑफिस है वो कितनी दूरी पे है, उसको हिसाब से आप सुबह 8 बजे से पहले आप इस ऑफिस पे पहुँचें, तो आपको आधार कार्ड का जो नंबर है वो टोकन यहाँ मिल जाएगा। टोकन यहाँ लाइन में लगने के बाद मिलता है, यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उसके बाद में अंदर बुलाया जाता है बारी बारी, पूरे दिन ये काम चलता रहता है, लेकिन ये टोकन जो मिलना है वो लगभग 8:30 बजे मेरे हिसाब से बंद हो जाते हैं, मैंने जो देखा है। तो आपके वहाँ कैसा है वो आपको वहाँ जाके मालूम पड़ेगा, लेकिन सुबह पहुँचोगे तो आपका काम पक्का हो जाएगा, सुबह बहुत ही जल्दी आपको पहुंचना है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी थी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको अच्छी जानकारी, जो भी ज़रूरी जानकारी की वीडियो बनाकर देता रहता हूं। और अगर आप इस तरह जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।